दोस्तों स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी मीन्स क्या, आज आप जो भी कर रहे हैं फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम जो आप बना रहे हैं, इसके अलावा आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए किसी भी चीज में आप एक मौके की तलाश में हैं, इसका मतलब यही होता है। ये एक ऐसा इनक्रेडिबल आइडिया है जिससे आपकी होल लाइफ चेंज हो सकती है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको टाइम क्वालिटी मनी, फ्यूचर की सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड, हेल्थ और रिकॉग्निशन, जी हाँ, मान सम्मान, ये सब कुछ एक साथ एक प्लेटफॉर्म में आपको मिलता है। अब आइए हम मुद्दे की बात करते हैं। और मुद्दे की बात यह है, जब मैं पहली बार बिजनेस में आया था तो मैंने मुझसे पूछा गया था कि आप क्यों करना चाहेंगे, ये आपकी वजह क्या है। तो सवाल ये है कि जिन लोगों के पास ये जो वाई होती है ना, स्ट्रॉन्ग सॉलिड वाई होती है, वो लोग ऐसे लोग होते हैं जो व्हाट एंड हाउ वालों को अपनी जॉब पे रखते हैं। अगर आपका वाई क्लियर है तो वो अपने आप व्हाट एंड हाउ को ढूंढ लेता है। मैं जब बिजनेस में आया तो मुझसे पूछा गया कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहेंगे। तो उस समय मेरी जो तो वजह थी वो 10,000 रुपए मंथली इनकम की थी, वो मेरी उस समय की बेसिक रिक्वायरमेंट थी, बेसिक नीड थी मेरी। आपकी वजह हो सकती है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है एक्स्ट्रा इनकम विद अनलिमिटेड पोटेंशियल। जी हाँ, जब मैं बिजनेस में आया था तो उस समय मुझे एक तो पैसे दिख रहे थे, दूसरा मैं अपने फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो यहाँ पर जो पहली पहली और तीसरी जो चीज है मुझे ज्यादा मोटिवेट कर रही थी, ये आपके लिए भी हो सकती है। आप एक्स्ट्रा इनकम आना चाहते हो या फिर अपनी रिटायरमेंट की बात हो, कौन नहीं चाहता अपने परिवार के साथ फैमिली में क्वालिटी टाइम डाले। मैं जरूर चाहता था कि मैं अपनी फैमिली के साथ रह करके काम करूँ, क्योंकि उस दौर में मेरे पिताजी घर से बाहर रह करके ड्यूटी करते थे। मैंने देखा कि हम समय नहीं आपने स्पेंड कर पा रहे हैं। पर्सनालिटी का डेवलपमेंट, जी हाँ, इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हमारी पर्सनालिटी में डेवलपमेंट होता है। मैं जब शुरुआत में बिजनेस में आया था तो बहुत ही चुप सा रहता था, कम बात करता था, पर मेरे पर्सनालिटी में जो चेंज आया बिजनेस की वजह से ही आया। रिकॉग्नाइजेशन, जी हाँ, हर कोई चाहता है कि उसे मान सम्मान मिले, ये एक वजह हो सकती है बिजनेस करने की। एंटरप्रेन्योरशिप, आज का दौर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम चल रहा है, लोग जॉब से हट करके खुद का बिजनेस, खुद का काम करना चाह रहे हैं, उसमें ये बहुत ही कमाल की बात है। देन वर्ल्ड वाइड लेजर ट्रिप, कौन नहीं चाहता देश विदेश घूमना, हर कोई देश विदेश घूमना चाहता है, अपनी लाइफ में बेहतर तरीके से जीवन जीना चाहता है। तो इनमें से सारी चीजें या एक या दो चीजें हो सकती हैं आपके बिजनेस में आकर के काम करने की वजह। आइए हम बात करते हैं इसके पोटेंशियल के बारे में। जी हाँ, इस बिजनेस में पर डे जो है हमको 2 से 3 घंटे इन्वेस्ट करने हैं। जी हाँ, अगर हम 6 से 9 महीने ठीक तरीके से सिस्टमेटिक काम करते हैं तो पाते हैं 30 से 40 हज़ार रुपए की महीने की अर्निंग हो सकती है। अगर यही 9 से 18 महीने हम काम करें तो हमारी इनकम 50,000 से 1 लाख हो सकती है। जी हाँ, डेली बेसिस पे अगर 2 घंटे हम सेल्सली लगा रहे हैं तो ये संभव है। अगर हम 2 से 5 साल ही काम करें तो हमारी इनकम 30 लाख से 70 लाख रुपए हो सकती है। अब सवाल पैदा होता है, जो लोग ठीक से काम करते हैं उनकी इनकम 6 से 9 महीने वाली इनकम 5 महीने में भी आ जाती है। जो लोग ठीक से काम नहीं करते हैं उनकी इनकम ये 9 की जगह 12 महीने भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि आप कौन सी इनकम और कितने समय में पाना चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब सवाल पैदा होता है कि जो इनकम हमको बनानी है, क्योंकि इनकम है आज के दौर में इनकम बनाने के बहुत सारे तरीके। आप देख रहे हैं यहाँ पर टी रॉबर्ट के शौकी है, ये एक बेस्ट सेलिंग बुक राइटर है, ये एक बिजनेस्ट है, ये एक मल्टी मिलियनेयर बिजनेसमैन है, और इन्होंने लगभग 16 ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जो बेस्ट सेलिंग बुक हैं। और इन्होंने पूरी दुनिया में बताया, अपनी जो बुक है टेस्ट ब्रो क्वाड्रेंट में बताया है कि 4 तरीके से लोग पैसा कमाते हैं, जिनको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में जिनको एक्टिव इनकम ग्रुप कहते हैं, इसमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं, और दूसरा जो ग्रुप है पैसिव इनकम ग्रुप, इसमें बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स आते हैं। तो 4 तरीके में जो पहला तरीका है एम्प्लॉय, ये किसी और के जॉब पे होते हैं और 8 से 10 घंटा लगाते हैं प्रोडक्टिविटी और मेन मेड इनकम बना रहे होते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं वो अपने खुद के काम पे होते हैं, इसमें डॉक्टर हो गए, अपनी खुद की क्लिनिक चला रहे होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ऐसे लोग होते हैं। यहाँ जो लोग होते हैं वो सिंगल सोर्स इनकम बना रहे होते हैं, इनके पास काम काम और सिर्फ काम होता है, और ये 95% पॉपुलेशन में के लोग होते हैं और 5% के पास वेल्थ होती है।
वही हम दूसरे हिस्से में अगर जाते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर बस पैसिव इनकम दिखाई पड़ती है। यहाँ पर दो तरह के लोग हैं, एक तो बिजनेसमैन है, दूसरा इन्वेस्टर। जो बिजनेसमैन होते हैं ये जो है घंटे घंटे पैदा करते हैं, मीन्स इनके पास ऐसा है कि लोग इनके लिए काम कर रहे होते हैं, ये खुद काम नहीं करते हैं और एक सिस्टम जनरेट करते हैं जिससे कि पैसे बनते हैं। इन्वेस्टर्स वो हैं जो एक बड़ी बड़ी रकम लगा रहे होते हैं, आई मीन 200-300 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसे से पैसा बना रहे होते हैं। यहाँ पर जो पैसे बन रहे होते हैं वो बिलियंस ऑफ आवर्स की प्रोडक्टिविटी के साथ सिस्टम बना करके होता है। यहाँ पर 5% पॉपुलेशन है जो 95% वेल्थ बनाती है और इनके पास एक ह्यूज नेटवर्क बन जाता है जो इनका एसेट होता है। तो इस तरीके से ये पैसिव इनकम ग्रुप में होते हैं। आज हम देखिए तो हम पाते हैं हम यहाँ पर अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, कि हम एक्टिव इनकम ग्रुप में है या पैसिव इनकम ग्रुप में। तो डेफिनेटली हम अपने आप को पैसिव इनकम ग्रुप में पहुंचाना चाहेंगे, वहां ले जाना चाहेंगे। तो आज हम आइए देखते हैं कैसे हम एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम ग्रुप में जा सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे आपके सामने कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे अमेजॉन है, अलीबाबा है और ओला है, जियो है, ओयो है। इन सब की आप देख रहे हैं यहाँ पर नेटवर्क लिखी हुई है और लास्ट में एक बॉक्स है जिसमें लिखा हुआ है आपका नेटवर्क, आपका जो नेटवर्क है वही आपका नेटवर्क हो सकता है। तो आज हम अपने आप से पूछते हैं हमारा कितना बड़ा नेटवर्क है, हमने कितनी बड़ी नेटवर्क की टीम खड़ी की हुई है। यस, आज हम इसी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं, जिससे अपनी बहुत बड़ी नेटवर्क को क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम आगे देखते हैं। अब हम बात करना चाहेंगे आज के दौर में ट्रेंड को लेकर के। लेटेस्ट ट्रेंड क्या है? लेटेस्ट ट्रेंड जो होता है वो एक दौर है, एक सिलसिला है। जब हम बात करते हैं आज का जो युवा है, जो यंग एंटरप्रेन्योर्स की हम बात कर रहे हैं, ये युवा है वो जॉब की तरफ नहीं जाना चाहता है। वो जॉब पे काम करने के बजाय अपना समय जो है अपने खुद के काम पे लगाना चाहता है। वो एक उद्यमी बनना चाहता है और इसका एक बुखार तेजी से चढ़ रहा है, इसको एंटरप्रेन्योरशिप फीवर कह सकते हैं और आज के समय को हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। एक युवा अपना दमखम जो है जोखिम उठाने पे लगाना चाहता है, वो रिस्क लेना चाहता है और कहीं ना कहीं वो अपना खुद के काम अपने दम पे करना चाहता है। आज हम जो है एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात करते हैं तो हम इसको एक मॉडर्न एज की बात कहेंगे इसको। और हम यहाँ देखते हैं जो बेस्ट ग्रोथ है वो ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स मीन्स क्या? एक दौर था जब हम हर चीज के लिए लाइन लगा के खड़े हुआ करते थे, चाहे इलेक्ट्रिक बिल पे करना हो, चाहे ट्रेन की टिकट लेनी हो। आज सब कुछ एक सिंगल फिंगर टिप से हम कर लेते हैं अपने घर में बैठ के। तो यही वो दौर है जहाँ ई कॉमर्स को हम इस्तेमाल करके बेहतर दिशा में ग्रो कर सकते हैं। और जब बात आती है लार्जेस्ट ग्रोविंग कैटेगरी की, तो हम यहाँ देख रहे हैं जो FMCG है, सोशल मीडिया और हेल्थ एंड वेलनेस, ये ऐसे सेक्टर हैं जो बूम कर रहे हैं और हमें प्राउड है कि हम ऐसे ही चीजों के साथ काम कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं, जहाँ हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, वहाँ हम ट्रेडिशनल मार्केट की बात करते हैं। एक लिटरेचर कंपनी होती है जहाँ पर कुछ चीजें बनती हैं, लगभग 50% कॉस्ट में विद प्रॉफिट विद रॉ मटेरियल चार्जेस, और हम कस्टमर को 100% चार्ज में मिलती है। अब सवाल पैदा होता है कि बीच का जो 50% पैसा है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है बीच के मेडिटर्स के पास, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है ये दो तरह का होता है, एक तो फिजिकल प्लेटफॉर्म है, दूसरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है। दोनों तरीके से ही ये चीज हमारे पास आती है और हम यहाँ देख रहे हैं इसमें क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा होता है, बस उनके उसमें कॉस्ट जुड़ जाती है और हमारे लिए महंगी हो जा रही है। 1959 में दो हाई स्कूल फ्रेंड ने इसी कॉन्सेप्ट के गैराज में बैठ करके सोचा, उनके माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसमें कुछ चेंज लाया जाए। उन्होंने कहा हमारे पास मैन्युफैक्चरर होगा और हम जो चीजें बनाएंगे सीधे कस्टमर तक पहुंचाएंगे, जो कि प्राउड बिजनेस ओनर के तरीके से काम करेगा। बीच के मेडिटर्स का काम ना करके वो जो बीच के जो पैसे थे वो इन्हीं को जाएंगे, ये क्या करेंगे, प्रोडक्ट को यूज करेंगे, प्रोडक्ट को लोग भी शेयर करेंगे और इन्हीं के माध्यम से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा होगा। इस तरीके से बीच का जो पैसा है हमारे पास आ रहा होगा, है ना, एक बहुत बढ़िया आइडिया। यस, हम इसी आइडिया की बात कर रहे हैं। अब इसमें हमको करना क्या है, हमें इसमें वर्ल्ड क्लास जो प्रोडक्ट है, जो पेटेंटेड प्रोडक्ट है, हमें उनको यूज करना है। हमें यूज करने के बाद जब चीजें अच्छी लगती हैं, हमारा एक्सपीरियंस बेटर होता है, तब यूं ही हम लोगों से बता बैठते हैं और हम यूं ही जब लोगों से बताते हैं तो चीजें अपना बिकने लग जाती है, रिटेल होने लग जाती है। लेकिन हम अगर चाहें तो इसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसे हम एक बड़े स्तर पे हम बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं इसके बाद जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो एक मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसको लेके क्या चल रहा है मार्केट में। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में आज न्यूज़पेपर में या कुछ महत्वपूर्ण लोगों के माध्यम से कुछ बातें कही जा रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं
डायरेक्ट सेलिंग की ग्रोथ के बारे में कहना है कि डबल डिजिट ग्रो कर रही है, यहाँ पर ये 100 अरब के पार भी जाने वाली है। इस इंडस्ट्री में ने जो है भारत को अब तक 50 लाख लोगों को रोजगार दिया हुआ है और 2025 तक 1.8 करोड़ जॉब भी देने वाला है। हमारे विजनरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि जो औसत लोग हैं वो टेंशन में है कि महंगाई बढ़ रही है, और जो मध्यम लोग हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि महंगाई से निजात पाने के लिए पेट काट के बचत कर रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं वो नेटवर्क बनाने में बिजी हैं क्योंकि वो जानते हैं महंगाई कम होने वाली नहीं है। उनका कहना है कि आने वाले समय में जो पीढ़ियां हैं जो महंगाई का सामना करने वाली हैं, जो कि तोड़ के रख देगी उनको, इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही धंधा है, एक ही व्यवसाय है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसको लेके कितनी तेजी से लोगों में विचार बदल रहे हैं। हम जब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं, उनका कहना है कि जो अमीर से अमीर लोग हैं वो नेटवर्क बनाने में, टीम बनाने में ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो काम करने पे फोकस करते हैं। अमित कांत जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि डायरेक्ट सेलिंग जो है आज के समय में उस पर जोर देने की ज्यादा जरूरत है, जो बेरोजगारी है उसको दूर करने के लिए इससे बढ़िया कोई साधन है ही नहीं। क्योंकि रामविलास पासवान जी का कहना था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है इंडिया का फ्यूचर बिजनेस है, ये 21वीं सदी का व्यवसाय है और 2025 तक इंडिया को 9,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलने वाला है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, उनका युवाओं को एक सलाह है, वो कहते हैं कि नौकरी मांगने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो 21वीं सदी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है और जिसे विश्व के प्रत्येक युवाओं को, महिलाओं को करना ही चाहिए, नहीं तो अपने एज का जो है, अपने यंग एज का जो बेस्ट है नहीं पा सकते। और बिल गेट्स का तो क्या कहना, उनका ये कहना है अगर मुझे दोबारा फिर से शुरू करना पड़े तो मैं इसे ही चुनूंगा। अब आप सोच सकते हैं कि आज के इस दौर में इस बारे में ये बातें कही जा रही। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, जिसमें इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा था वो यही है, एमवे। जी हाँ, ये 3.0 एक वर्जन है जो एडवांस वर्जन है और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दुनिया की नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के बारे में जो कि आपके सामने है, एमवे। ये 5 मई इंडिया में 5 मई 1998 को आई थी और स्टार्ट हुआ था 1995 को आई थी और इंडिया में काफी अच्छे से ग्रो करा, लेकिन अगर ग्लोबली इसके आंकड़े देखें तो पता लगता है कि 108 देशों में काम कर रही है, 450 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, 1000 से ज्यादा पेटेंट है और 64,000 करोड़ का टर्नओवर, जो कि पुराना आंकड़ा है 2019 का। इनके पास 500 से ज्यादा साइंटिस्ट है, न्यूट्रलाइट आर्टिस्ट जैसे होम जैसे फेमस ब्रांड है। और आप बिलीव करिए, यहाँ पर हम जो चीजें देख रहे हैं जैसे कि पावेल हैं, बिल क्लिंटन जी हैं, जेनिफर लोफेज हैं, ये सब इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं और इंडोर्स भी करते हैं। एसी मिलान फुटबॉल क्लब में जो इनके खिलाड़ी हैं उनके न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस है हमने देखा कि 14 गुना उससे बढ़ गई। और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये जो बिजनेस है, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, जहाँ मेक इन इंडिया की बात आ रही है, इस पॉलिसी के तहत यहाँ पर काम स्टार्ट हुआ कि आप यहाँ पर ही चीजें बनाएंगे और यहाँ ही जब चीजें बनेंगे तो फिर यहाँ बाहर भी जाएंगे तो कम से कम यहाँ पैसा भी आएगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमारे इंडिया में मदुरई में दिंडीगुल जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर नीलाकोटी जैसी जगह है, वहां पर ये प्लांट डाला गया है, यहाँ पर 600 से लेकर 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है और यहाँ पर ये पूरा प्लांट जो है 50 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और 1500 लोगों को एम्प्लॉय है यहाँ पर जो वर्किंग है। और यहाँ पर जियो स्टार्ज वेस्टेज है और जो एनर्जी आ रही है सोलर एनर्जी आ रही है और ये जो लीड गोल्ड स्टैंडर्ड सर्टिफाइड प्लांट है, तो आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से ये यहाँ पे काम हो रहा है। और ये प्लांट जो है बनने के बाद इंडिया में लगभग 3,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्होंने रोजगार दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये बहुत बढ़िया तरीके से चीजें ग्रो अप हो रही है। अब बात आती है, आपको इस स्लाइड जो दिखाई पड़ रही है इसमें कुछ खास है, खास ये है कि भाई आज के दौर में नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमुखता को देखते हुए देश के विभिन्न स्कूल जो है, यूनिवर्सिटीज जो है, एक कोर्स के रूप में इस सिलेबस में इसको रख रहे हैं। पहले एग्जाम्पल की बात करूँ, दिल्ली में सीबीएसई बोर्ड का जो क्लास 12 का जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, बिजनेस स्टडी जो है, उसके ऊपर एमवे के ऊपर एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। आप बिलीव करिए, यहाँ पर एमवे को जो है इंडस्ट्री लीडर के रूप में बताया गया है, एक रियल लाइफ एक्सपर्ट बताया गया है और यहाँ पर जेवान एंडल का, रिस जवाब जी का पिक्चर भी दी गई है। कहने का मतलब है कि इस अपॉर्चुनिटी को
बहुत अच्छे तरीके से एक सिलेबस भी लाया गया है, लोग इसे पढ़ रहे हैं और अपने करियर का माध्यम भी बनाने की स्थिति में। आज नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं बात करूँ कर्नाटका यूनिवर्सिटी की, तो वहां पर भी एमबीए का कोर्स चल रहा है इसमें, और इस तरीके से तरह तरह के कोर्सेज चल रहे हैं जिससे हम इसमें डिग्री ले सकते हैं और आगे जॉब के लिए हमें आसानी होगी। आगे हम देखते हैं, बात प्रोडक्ट्स की करेंगे और यूनिक सब्सक्रिप्शन गारंटी की बात करेंगे। जी हाँ, इसके जो सारे प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं, वर्ल्ड क्लास हैं, और ये वजह है कि ये 100% सब्सक्रिप्शन की गारंटी हमको देती है। मैंने नहीं देखा है इंडिया में और बाहर कोई ऐसी कंपनी जो ऐसी गारंटी दे सकती है, क्योंकि एमवे अराउंड द वर्ल्ड अपनी लेबोरेटरीज में एनुअली 30,000 प्रोडक्ट क्वालिटी टेस्ट करती है। ये वजह है कि ये गारंटी दे सकती है। एमवे के जो प्रोडक्ट्स है कौन नहीं जानता, गाँव में भी हम जाते हैं तो लोग कहते हैं प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, पर हाँ बात जरूर कहते हैं कि थोड़े महंगे। अब बात पैदा होती है ये महंगे क्यों है, मैं कहूंगा कि जो प्रोडक्ट है ना, दे आर मेड अ हायर स्टैंडर्ड, इनका जो स्टैंडर्ड है काफी हाई है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी है, सुपीरियर इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है, डिजाइनिंग की एक्सीलेंट होती है और रिगोरस टेस्टिंग है, बिलीव करिए इंश्योर करते हैं कि प्योर होते हैं, सेफ होते हैं, इफेक्टिव होते हैं और ड्यूरेबल्स होते हैं। यही कारण है कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं कंपटीटिव ब्रांड जो है उनके तुलना में थोड़े से हमको हायर प्राइस के लगते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसे होते नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स की, ये पहला पर्सनल केयर का रेंज दिखाई पड़ रहा है, तो वे उठने से लेकर आपको सोने तक 70-80 प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम नहाने के साबुन से लेकर के शैम्पू है, ब्रश है, पेस्ट है, टिलकम है, ये सारी की सारी चीजें आती है। इसमें एक पेस्ट आता है डिस्टर के नाम से, ले करिए, ये कमाल का प्रोडक्ट है। ये दांतों की सफाई और ताजगी देने के अलावा ये 10 दिनों में प्लाक को हटाने का भी क्लेम करता है। आप बिलीव करिए ये दांतों को रिमिनलाइज कर देता है, मतलब हमारे को दांत जो है घिसते नहीं है और दांतों के दाग धब्बे भी निकल जाते हैं, और ये आईडीए द्वारा जो है स्वीकृत है। और हम बात करते हैं अगर होम केयर रेंज की, जहां हम कपड़े धोने, बर्तन धोने, पोछा लगाने से बहुत तरह के जो घरेलू यूज के प्रोडक्ट्स हैं उनमें उनमें एक प्रोडक्ट आता है एलओसी। ये बहुत ही फेमस प्रोडक्ट है, इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, और ये 1 लीटर जो है जो बॉटल होती है 166 का सोल्यूशन इससे बनता है। आप बिलीव करिए जो प्रोडक्ट है इकोनॉमिकली काफी अच्छे होते हैं, इफेक्टिव होते हैं और इन्वायरमेंट के लिए काफी सेफ होते हैं, क्योंकि ये पानी मिला के इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 लीटर का जो एलएसयू होता है वो 3 रुपए या 3.25 रुपए पर लीटर का कॉस्ट आता है लगभग। ऐसे ही प्रोडक्ट आता है परशू, ये 7-in-1 प्रोडक्ट है जो कि डिसइंफेक्टेंट क्लीनर है। अभी जो कोविड का दौर चला था उसमें परशू का काफी अच्छा इस्तेमाल था, क्योंकि ये 99.9% जर्म क्लीनिंग का पावर रखता है, और 1 स्टेप क्लींजर है, डिसइंफेक्टेंट है, सैनिटाइजर भी है, ये वायरसाइडल भी है और डिओडोराइजर भी। कहने का मतलब है कि ये 7 फीचर एक ही प्रोडक्ट में हमको मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुकिंग रेंज में, कुकवेयर की बात करते हैं। आज मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, लेकिन जो कुकवेयर की जो विशेष रेंज हमारे साथ है उसको हम एमवे क्वीन कहते हैं। ये स्टेनलेस कुकवेयर की एक प्रीमियम रेंज है, जो 30 सालों से 50 देशों में इस्तेमाल होती आ रही है। ये 3 से 5 प्लाई के प्रोडक्ट है और 30 साल की वारंटी के साथ हमको मिलता है। इसमें जो टेस्ट है गजब का होता है, जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व होते हैं जैसे कि तैसे बने रहते हैं। 0 ऑयल कुकिंग इससे हम कर सकते हैं, और इसमें ऑप्टिम टेक्नोलॉजी होती है और विटोलॉग टेक्नोलॉजी होती है, जिसकी वजह से खाना हमको नेचुरल फॉर्म पे उसके पोषक तत्व सही मिल जाते हैं, और खाना जो एक तरीके एक समान आंच में पकता है और जलता भी नहीं। और हम यहाँ पर देखते हैं हमारे पास वाव न्यूट्रलाइट के जो प्रोडक्ट है, वाव एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट है। इससे हमने पाया है कि लोगों ने अपना काफी अच्छा खासा वेट मैनेज करने में इससे हेल्प मिली है। फिट फॉर लाइफ प्रोग्राम जो है, जो हमारे एक्सपेक्टेड संजय जी हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है और ये प्रोग्राम चलाया है, इसकी वजह से काफी लोग अपना वेट मैनेज किया है। 3-3 महीने में लोगों ने 20-20 kg वेट लूज किया है, तो ये वाह बड़े कमाल का रिजल्ट दे रहा है हमको। हम देख रहे हैं यहाँ पर एक्सेस एनर्जी ड्रिंक, तो ये बिलीव करिए एक्सेस एनर्जी ड्रिंक बड़े कमाल का है। इसमें कोई शुगर नहीं होती है, कोई कैलोरी नहीं होती है, ये डायबिटिक पर्सन भी ले सकता है, और ये एक्सेस पाउडर है। एक्सेस जो पाउडर है ये भी डायबिटिक व्यक्ति ले सकते हैं, इससे मसल बिल्डिंग के लिए काफी अच्छा होता है, और जो लोग स्पोर्ट्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं उनके लिए काफी अच्छा प्रोडक्ट है। और हम फिर बात करते हैं आर्टिस्टी के बारे में, ये बहुत ही कमाल का सुपर प्रीमियम प्रोडक्ट है जो कि स्किन के सेकंड लेयर पे काम करता है, और जो एटीट्यूड है ये प्रीमियम रेंज का प्रोडक्ट है। और अभी हमारे पास ये नया रेंज लॉन्च हुआ है स्किन न्यूट्रिशन का, जो एंटी एजिंग के लिए है। और ऐसे ही हमारे पास किसानों के लिए एफसीआईटी आता है, जो कि खेती की अच्छी पैदावार बढ़ाने के लिए और प्रोडक्शन को अच्छा रिजल्ट देता है।
फिर हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर में, हमारे पास है मिनी है और ये हमारा कार, तो घरों के लिए और गाड़ियों के लिए हम एयर फ्री, जो पोल्यूशन फ्री एयर के लिए हमको बेहतर से हमको रिजल्ट मिलते हैं। अब हम आगे बात करते हैं, ये हमारे पास बड़े कमाल की चीज है देखने के लिए कि भाई मेरा भाई चानू है, संग्राम सिंह जी है, ये ऐसे लोग हैं जिन्हें कौन नहीं जानता है, ये प्रोडक्ट को यूज भी करते हैं, इंडोर्स भी करते हैं। और ये अमिताभ बच्चन जी हैं, इन्होंने प्रोडक्ट्स को पहले यूज भी किया है, आज इनका कहना है कि सप्लीमेंट जो होने चाहिए वो न्यूट्रलाइट जैसे ही होने चाहिए। आज ये हमारे एमवे के ब्रांड एम्बेसडर भी। आइए हम बात करते हैं हमें करना क्या है। हमें जब हमारे पास जो पुराने प्रोडक्ट डेली हम 70-80 प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उनको हम एमवे के प्रोडक्ट से एक्सचेंज करना है। इससे होगा क्या, यहाँ पर आप रेफ्रिजरेशन के थ्रू इसमें आकर के अपने प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे ले सकते हैं, आपको लॉयल्टी पॉइंट मिलेगा अगर आप एज ए कस्टमर आते हैं, अदरवाइज आप फिर डिस्काउंट ले सकते हैं, रिटेल मार्जिन आपको मिलेगा, बोनसेस कमीशन भी आपको आएगा। और इसको आप एक्सपेंड करें तो बहुत बड़े बिजनेस के तौर पर जनरली आप इनकम भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि पैसे इसमें किस तरह से आते हैं, कैसे पैसे बनते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास रिटेल मार्जिन आता है और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट है जो कि 8.5% हमको मिल रहा होता है। वहीं पर हमारे पास एक एमवे कंपनसेशन प्लान है जो कि 3% से लेकर 21% मिलता है। और यहीं पर फोर प्लस इनकम है जहाँ पर हम CSI और BFI, BBI, PGGI और FGI और PTCI लीडरशिप बोनस है, ये चीजें आपके पास आपको यहाँ मिल सकती है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको हम समझते हैं कि अगर हमारा जो टर्नओवर है, अगर हम प्रोडक्ट हम यूज करते हैं तो कुछ टर्नओवर जनरेट होता है, जब टर्नओवर होता है तो कुछ परसेंटेज भी आपको मिलते हैं। तो 3% से लेकर 21% के तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। 3% का मतलब अगर आप 17,000 का टर्नओवर करते हैं विदाउट टैक्स और टैक्स के साथ 20,000 का, तो लगभग आपके पास 2-3,000 रुपए की इनकम आती है। ऐसी अगर आप यहाँ पर अगर 1,02,000 का टर्नओवर करते हैं या फिर टैक्स के साथ 1,20,000 का करते हैं तो आप 9% लेवल पे आते हो और आपकी इनकम लगभग 15,000 से 25,000 हो। ऐसी अगर आप 4,00,000 का टर्नओवर, 3,40,000 या 4,00,000 का टर्नओवर कर लेते तो आप 15% लेवल पर आते हो और आपकी इनकम होती 40,000 से 55,000। ऐसी जब आप 10,00,000 का टर्नओवर करते हैं विथ टैक्स और विदाउट टैक्स 8,50,000 का, तो आप 21% लेवल पर आपकी अप्रॉक्स इनकम होती है 85,000 to 1,10,000। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अच्छे पैसे बनाते हैं। ऐसे वन बाई वन हम समझते हैं, अगर आप अकेले हैं अपने घर में, आपने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया तो आप यहाँ पर देखते हैं रिटेल मार्जिन, CSI, डिस्काउंट सब मिला के लगभग घूमते हैं तो आपके पास इनकम आती है 22,860 रुपए की। आप अगर मान लीजिए आपके साथ 10 लोग आते हैं तो आपका टर्नओवर यहाँ पर 1,00,000 होता है और आपका यहाँ पर जो महीने की बचत होती है 7,000 रुपए की होती है और साल की लगभग 84,000 रुपए का। ऐसी जब आप 10,00,000 का होता है और आप देखते हैं 1,17,000 रुपए की आपकी पर्सनल इनकम होती है जिसमें की टैक्स डिस्काउंट सब चीजें होती हैं, और यहाँ पर एनुअल इनकम आपकी 20,00,000 के आसपास चली जाती है। अब अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बड़ी पिक्चर देखने को मिल रही होगी। जब आप एक महीने 10,000 का टर्नओवर करते हैं, 8,00,000 का बिजनेस करते हैं, तो 8.5 लाख का बिजनेस करते हैं, तो आपके जो यहाँ पर लेवल के बाद जो आप जो एक फील्ड लेवल आपको मिलता है वो कहलाता है सिल्वर। जब आप 3 महीने इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप गोल्ड कहलाते हैं, 6 महीने क्वालिफाई करते हैं तो प्लेटिनम कहलाते हैं, और जब आपके नीचे 3 टीम 10,00,000 का टर्नओवर करती है तो आप यहाँ पर एमरल्ड कहलाते हैं, जब 6 टीम इसको करती है तो आप यहाँ पर डायमंड कहलाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं जब आपके पास 6 टीमें हैं और 10,00,000 का टर्नओवर करती हैं और वो प्लेटिनम जाते हैं तो आप यहाँ पर डायमंड जाते हैं। एक ह्यूज इनकम आप बना सकते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपके पास। आइए बात करते हैं यहाँ पर, जब आप एक प्लेटिनम जब साल के 12 महीने अपने वॉल्यूम को मेंटेन करता है तो फाउंडर प्लेटिनम कहलाता है। अब इस क्वालिफिकेशन में जो इनकम होती है 94,000 महीने की इनकम होती है, साल की इनकम लगभग 11,00,000 रुपए की। वही एक एमरल्ड जब पूरे साल ये अपने टर्नओवर को मेंटेन करता है तो फाउंडर एमरल्ड कहलाता है, और उसकी इनकम जो है 3,00,000 रुपए की महीने की लगभग होती है और साल की 38,00,000 प्लस की होती है। ऐसे ही एक डायमंड जब पूरे साल बिजनेस को मेंटेन करता है तो फाउंडर डायमंड कहलाता है, और वहां पर उसकी इनकम 8,00,000 प्लस महीने की होती है और साल की 96,00,000 प्लस हो जाती है। अब ये सारी इनकम जो इसमें रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट और अदर सेल्स एक्सपेंसेस नहीं जुड़ा हुआ है। आगे हम देखते हैं इसमें और क्या मिलता है। इसमें हमको मिलता है देश विदेश घूमने का मौका। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये
मेरे लिए कुछ हमारे लिए बहुत खास है, क्योंकि जो हम पहली बार बिजनेस में हमने क्वालिफाई किया था तो हम यहाँ पर प्लेटनम फोरम हमको मिला था। अभी अभी भी ऐसा एक फोरम है जो प्लेटनम जा रहे हैं उनको कडला कूच का ट्रिप मिलने वाला है। और जब आप फाउंडर प्लेटनम होते हैं तो साल में आपको हर बार मौका मिलता है। वैसे जब हम पहली बार हमने क्वालिफाई किया तो हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे छोटे से अपने बेटे जो कि 9 महीने का था दिव्यांश, उसके साथ हम लोगों ने वहाँ एंजॉय किया था। और जब हम प्लेटनम गए थे तब हम प्लेटनम फोरम हमको दिल्ली मिला हुआ था। अभी तो चीजें अब बदल रही होती हैं, अब देश विदेश के भी मौके हमको लगते हैं। उस समय जब हम प्लेटनम फोरम गए थे तो हम दिल्ली गए हुए थे और वहाँ पर हमारे स्पॉन्सर डॉक्टर डी डी आर्य जी, प्रेस आर्य जी और हमारे मेंटर संजय उषा जी भी हमें वहाँ मिलने आए थे। वो हमारे लिए बड़े प्राउड का मोमेंट था, हमें बड़ा अच्छा लगा था जब वो मिलने हमको आए। जब हम स्विट्जरलैंड गए तो वहाँ भी हमने देखा कि हमारी मुलाकात और भी सारे लोगों से भी वहाँ पर सुमित तान्या जी की थी, और अभी तान्या मैम है जिनके साथ दिव्यांश है, और ये मूवमेंट बड़ा बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई किया। इस तरीके से जब हम सब चीजें कर पा रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, और ये आपके लिए भी है। अब बात करते हैं एमवे ग्लोबल की। बिलीव करिए ये जो बिजनेस है बहुत ही कमाल का है। अब तक कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जिन्होंने इतना पैसा बांटा होगा। ये जो ऐसा बिजनेस है जहां हम देख रहे हैं कि 1959 से लेकर के 2019 तक एमवे ग्लोबल ने लगभग लगभग 4 लाख करोड़ रुपए लगभग लगभग उन्होंने बांटा। अब यही हम इंडिया की बात करें तो लगभग 2019 तक 9000 करोड़ रुपए पे आउट किया हो, जो कि अब तो बढ़ करके 11000+ करोड़ हो गया हो। और अब हम बात करते हैं इन सक्सेसफुल लोगों की। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे सक्सेसफुल लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ये सब सफल लोग हैं जिनसे हमने सीखा है, पल पल ठीक करके आगे बढ़े हैं और हम यहाँ पहुंचे। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले कुलीन देसाई जी हैं जो कि सिटी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। राजन संगीता शाह हैं, राज जी तो इंजीनियर हैं, जनरल मोटर्स में काम करते थे, इनकी वाइफ संगीता जी अकाउंटेंट रही हैं। डॉक्टर हॉल न्यूबाल जो है ये फेमस फिजिशियन रहे हैं, 3 टाइम नोबल नॉमिनी। और विनोद सुधा कपूर जी, ये दोनों ही ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है, बैकग्राउंड इनका बिजनेस का है, पर ये हमारे मेंटर के मेंटर हैं। देन मैं बात करूंगा अंकुर तारू जी की, तो अंकुर जी IITian है और तारू जी जो है वो HR प्रोफेशनल है। पंकज चिटोरिया जी ये एक्टर है, इन्होंने बहुत सारी फिल्मों और सिनेमा में काम किया हुआ है। और इन्होंने अगर इनके एजुकेशन की बात करें तो ये 10th 3 टाइम फेल है, बट इन्होंने इंजीनियर डॉक्टर अकाउंटेंट बहुत सारे लोगों को सिखाया है बिजनेस कैसे होता है, तो ये इसकी खासियत भी है बिजनेस की। अमिता जी ONGC में जॉब करती थी। देन ये अनिल और संध्या शेट्टी जी हैं जो कि होटेलियन है, और फिर ये राजा नरेंद्र जी हैं जो स्टूडेंट रहे हैं, ये केमिकल इंजीनियर हैं, इन्होंने स्टूडेंट लाइफ से बिजनेस स्टार्ट किया था। और ये कांति जी हैं। जी हाँ, कांति जी जो है वो मेडिसिन साइंटिस्ट रहे हैं, और ये दोनों ही अच्छी प्रोफाइल में बाहर काम करते थे, बट उन्होंने अपॉर्चुनिटी को देखा, उनको इसमें कुछ ऐसा दिखाई पड़ा जिससे उन्हें अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते थे, तो आज ये बिजनेस में आए। इनके अपने प्रोफेसर रहे हैं, इनके पास इतनी डिग्रियां हैं कि पेज में नहीं आती हैं। ये गणेश सिन्हा जी हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, चाहे इनके पास चार्टर्ड प्लेन है, 30 साल की उम्र में ही फ्री हो गए थे। और अगर हम बात करते हैं प्रियंबत जी की, तो ये बिहार से हैं जो IAS भी रहे हैं, ये मैकेनिकल इंजीनियर रहे हैं। और ये है सतीश रेड्डी जी जो नासा के चीफ साइंटिस्ट रहे हैं। और फाइनली आप संजय उषा चौहान, संजय जी सिविल इंजीनियर हैं और ये फर्स्ट क्लास ऑफिसर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में, और आज 22 साल हो गए इनको फ्री हुए, अपनी चॉइस की जिंदगी जी रहे हैं। विजडम के पास में है हमेशा प्रिंसिपल, और हम लोग भाग्यशाली हैं कि आप दोनों की मेंटरशिप में आपकी इच्छाएं में आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर डॉक्टर हरजन महिंदर बैठ हैं जो कि फिजिशियन है, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है बिजनेस में, सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। और फाइनली सुमित तान्या जी की तो बात ही क्या है। ये सुमित जी IITian है, इन्होंने दिल्ली से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और ये इन्होंने USA से मास्टर्स किया हुआ है, और ये अपॉर्चुनिटी देखी तो इंडिया आया और बिजनेस को यहाँ बिल्ड करने का निर्णय लिया। तान्या जी में मास्टर्स हैं, इनके पास दो दो पेटेंट है। आप दोनों ने इस बिजनेस में लोगों के लिए अवेलेबल कराया, जिसमें विजन का था, और विजन 100 जैसी चीजों के साथ हम आगे ग्रो कर रहे हैं, सीख रहे हैं।
तो इन सब चीजों के साथ ही हम सफल हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इनको आप भी अपना के आगे बढ़ सकते हैं इन सब सीख करके। अब बात आती है एजुकेशन सिस्टम की, जो एमवे का है, गुरुकुल कमाल का है, जिसकी वजह से काफी तेजी से ग्रोथ हो रही है। और हम यहाँ पर देख रहे हैं इसके साथ साथ कुछ सेमिनार्स, कुछ फंक्शंस जो कि आजकल भी हो रहे हैं, जिसमें कमाल का हमको एक पैथ मिल रहा है, कॉन्फिडेंस बन रहा है, इसमें तेजी से बिल्डअप कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो वेबसाइट है, यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बहुत सारे लाइव इवेंट हम देख सकते हैं, और बहुत सारी बुक्स जो हमारे अपने रिकमेंड करते हैं, जिनसे हम अपने को इंटरनली ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर एमवे के पास एक ई लर्निंग एकेडमी है, जहाँ हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में, बिजनेस करने के तरीकों के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से सिस्टम हमको आगे बढ़ाने में मदद करता है, इसकी हेल्प लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे आके हम देखते हैं कि यहाँ कुछ ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही बिजनेस को ज्वाइन किया और अपने आप सक्सेसफुल बनाया, जैसे कि आप यशवंत रेड्डी जी को देख रहे हैं, गुरंश जी को देख रहे हैं, तरुण कुमार जी हैं, यहाँ अलका जी हैं, देन यहाँ पर मानिक जी हैं और मिच्छा नागर। अब बात करते हैं इस बिजनेस में विजन और पोटेंशियल की। हम देखते हैं कि बिजनेस जो है 5 में 98 को बिजनेस स्टार्ट हुआ था, 6 प्रोडक्ट के साथ का टर्नओवर लगभग 100 करोड़ का था, और 2019 में 150 प्रोडक्ट और 2000 करोड़ का, अभी प्रोडक्ट लगभग 170-180 से ऊपर हो गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि 2025 तक 64,500 करोड़ का टर्नओवर होगा, और लोगों की एक्सपेक्टेशन है इससे कहीं ज्यादा होने की चांसेस भी है, क्योंकि जिस तेजी से बूम कर रहा है बिजनेस, हम सब का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट। आइए आगे बात करते हैं पर्पस की। जी हाँ, पर्पस है, ड्रीम है, एस्पिरेशन है, डिजायर है, ये सब चीजें आज हम इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं, अपने सपनों के घर में रह सकते हैं, अपने पास एक ऐसा समय हो सकता है जो हम फैमिली के साथ अपनी मर्जी से एंजॉय कर सकते हैं, लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी बना सकते हैं, अपनी मर्जी की कार चला सकते हैं, अच्छी इनकम बना सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, पूरी फैमिली के साथ स्पेंड करना है वो जो मजा है वो हम ले सकते हैं, थेरेपी भी कर सकते हैं, पूरी दुनिया घूम सकते हैं, अपने सेहत का हाल बेहतर कर सकते हैं, और ज्यादा दिनों तक जीने के लिए न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करके, न्यूट्राइट का इस्तेमाल करके बेहतर लाइफ पा सकते हैं, और औरों को भी हेल्प कर सकते हैं, अपने बुढ़ापे को शेव कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बेहतर लाइफ दे सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी पर्सनालिटी को बिल्डअप करके एक अच्छी जिंदगी को जी सकते हैं। आइए हमें क्या करना है, सिंपल जस्ट कमिटमेंट तो देना ही पड़ेगा, विदाउट डिसिप्लिन, विदाउट कमिटमेंट तो कुछ भी जीवन में नहीं मिलता है। हमें सबसे पहले यहाँ पर टाइम का इन्वेस्टमेंट करना है बिजनेस को, हमको यहाँ पर तभी हम बढ़ा पाएंगे जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, बिजनेस के बारे में जानेंगे, तो हमको इसके लिए टाइम लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज है, हमको यहाँ पर ब्रांड लॉयल्टी पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट को यूज किए बगैर हम कैसे बता सकते हैं कि प्रोडक्ट बढ़िया है और कमाल है, और तभी लोगों को भी विश्वास दिला सकते हैं, कॉन्फिडेंट करके काम करें। फिर हमको यहाँ पर सीखना भी है कि भाई सिस्टमेटिक रिटेलिंग कैसे की जाती है, कैसे हम क्लाइंट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्डअप कर सकते हैं, ये सब सीख कर ये संभव है। देन जब हम सीखने को तैयार हैं और संगत में रह करके सफल लोगों के बीच के आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो ये चीजें बहुत आसानी से हो सकती हैं। इसके लिए हमें ये चीजें कमिट तो करनी पड़ेगी। अब बात आती है जब हम बिजनेस को फाइनली हम समझ गए हैं और हमें लग रहा है हमारे काम की चीज या जीवन से मौके बेहतर हो सकता है, तो स्टार्ट कैसे करना है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमें यहाँ पर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे रिक्वायर है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और आपके बैंक अकाउंट का जो बैंक अकाउंट डिटेल है, आप इसकी कोड वगैरह आपकी। जब आप इसमें स्टार्ट करते हैं तो आपने साथ एक रिपोर्ट कस्टमर को रजिस्टर करते हैं, उसके साथ 1500 रुपए का प्रोडक्ट जब आप परचेस करते हैं, सर्टिफिकेट को फुलफिल करते हैं, तो आप क्वालिफाई करते हैं। इस तरीके से बिजनेस को लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आपसे बात करके अच्छा लगा, और अब हम एक कॉर्पोरेट वीडियो देखेंगे जो आज के हमारे पोस्ट काबिल दोस्त किसारुल जी रन करेंगे। ये लोगों के जुनून को फायदे में बदलने का अवसर प्रदान करता है, लेकिन ऐसा महज किसी संयोग वश नहीं होता, बल्कि इसके लिए प्रयास करना होता है। एमवे से लाखों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन ये निश्चित रूप से 9 से 5 बजे के किसी कार्य समय से बंधा नहीं है। एमवे आपको अवसर प्रदान करता है, और यही डायरेक्ट सेलिंग उद्योग है। ये विश्व स्तर पर $179 बिलियन से अधिक का उद्योग है। एमवे अब तक के सबसे सफल डायरेक्ट सेलिंग संगठनों में से एक है। इसे 1959 में USA में शुरू किया गया था, और इसकी स्थापना के बाद से एमवे हमेशा व्यक्तिगत संपर्कों पर आधारित रहा है।
एमवे डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्र की अग्रणी कंपनियों में से एक है। ये श्रेया है, इन्होंने हाल ही में एमवे बिजनेस शुरू किया। इन्होंने खोज की, अपने स्वयं के निर्णय लेने की स्वतंत्रता एवं लचीलेपन की, जो आपके जुनून का लाभ उठाते हुए अपने समुदायों एवं अपने स्वयं के मालिक होने की वजह से आता है। एमवेडा उपभोक्ताओं की जरूरतों वाले और उनके दैनिक उपयोग वाले विश्व स्तरीय और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री करने का अवसर मिलता है और वो इसे अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। श्रेया जब चाहे और जहाँ चाहे काम कर सकती है, सुबह हो या शाम, वीकेंड पर, रसोई से या बाहर काम करते समय, कभी भी। निश्चित रूप से व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है, लेकिन ये किसी भी शेड्यूल में काम करते हुए अतिरिक्त कमाई करने का वैकल्पिक तरीका प्रदान करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण और उसे हासिल करने का जुनून एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स को सफलता की ओर ले जा सकता है। श्रेया अपने ग्राहकों को हेल्थ एंड वेलनेस, ब्यूटी, होम केयर, ड्यूरेबल्स, कुकवेयर और पर्सनल केयर के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराती है। श्रेया अपने लिए काम करती है और एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स एक टीम की तरह काम करते हैं। व्यवसाय बढ़ने के साथ साथ पार्टनर्स को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। अपने जुनून को पूरा करने की प्रबल इच्छा और समुदायों के साथ अपने जुड़ावों का प्रभावी तरीके से उपयोग उनकी सफलता और उपलब्धियों का आधार है। लगातार कड़ी मेहनत करने के साथ श्रेया का व्यवसाय बढ़ता ही जाता है और उन्हें अधिक मुनाफा होने लगता है। उन्हें मुद्रिक और गैर नकदी दोनों ही लाभ मिलते हैं, जैसे देश विदेश में आयोजित होने वाले व्यावसायिक सम्मेलनों में भाग लेने के लिए आमंत्रण, जहां उन्हें अन्य सफल एमवे डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर्स से मिलने और उनकी कामयाबी का जश्न मनाने का मौका मिलता है। शुरू से ही आप व्यापार और कौशल निर्माण टूल के लिए एमवे से 24/7 और अपनी टीम से जुड़ते हैं, जहां आपको सलाह और परामर्श दिया जाता है। यहां व्यवसाय के पर्याप्त अवसर हैं। हम एमवे हैं। यस दोस्तों, तो एक छोटी सी बात कहकर के अपनी प्रेजेंटेशन में यहीं पर ओवर करूंगा। एक गांव था, वहां पर एक बहुत ही जाने माने एक महात्मा रहते थे और उस गांव में दो शैतान बच्चे, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, दो शैतान बच्चों का काम की काफी क्षति है। बहुत सारे लोग मानते हैं और सब लोग इनके पास जाते हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो भी कहते हैं वो सच हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि चलो महात्मा जी को झूठा साबित किया जाए। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर प्लानिंग बनाई और एक तोता लिया और उस तोते को लेकर के प्लान बनाया कि हम पास जाएंगे और गए। जब पास गए तो दोनों बच्चे अपने हाथ पीछे करके खड़े हुए थे और उन्होंने पूछा कि महात्मा जी, महात्मा जी बताइए मेरे हाथ में क्या है। तो महात्मा जी ने कहा कि बेटा आपके हाथ में, मेरे हाथ में जो है वो जिंदा है, या उन्होंने बोला कि हाँ तेरा आपके हाथ में एक तोता है। तो उन्होंने बता दिया तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ जिंदा है या मरा हुआ। तो महात्मा जी ने कहा कि ये तो आपके हाथ में बेटा, आप चाहो तो मतलब के मार दो, आप चाहो तो छोड़ दो, उड़ जाएगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे स्टोरी को कनेक्ट करते हुए ये कहना चाहूंगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी जो मैंने आज आपके साथ शेयर करी है, आप नए लोगों से कहना चाहूंगा ये जो अपॉर्चुनिटी है ये आपके हाथ में है। आज रात को सपने में कोई देवी देवता या आपके कोई इष्ट नहीं आने वाले ये बताने के लिए कि अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत बढ़िया, आप शुरू कर लीजिए। आपको ही निर्णय लेना पड़ेगा। आप अगर निर्णय लेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी आपके जीवन को डायरेक्शन देगी और आप जीवन को बेहतर बना सकते हैं, जैसे और लोगों ने किया हुआ है। तो ये अब आपके हाथ में। थैंक यू, आगे बढ़ा।